नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये सवाल सब लोग करते हैं मुझसे, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो जो नॉलेज है मेरा, जो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। मैं सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में ही बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोप्राइटर अगर जीएसटी लेना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सबके लिए सेम है, कुछ कुछ इधर उधर होता है अगर बिजनेस का कंस्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो पार्टनर, अगर कंपनी हो गया तो डायरेक्टर, इस तरह से काफी सारा चीज चेंज होता है, मगर बेसिक जो चीज़ है वो हमेशा सेम रहता है। तो सिर्फ मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें पार्टनरशिप या फिर कंपनी उनके लिए भी क्या चाहिए, क्या क्या मेन चीज चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है तो दोस्तों शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फर्स्ट पैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक मस्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो पैन बेस्ड है। तो पैन कोटिंग योर पैन इज मैंडेटरी। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस है, तो जो प्रोप्राइटर है उनका पैन चाहिए। अगर पार्टनरशिप होता तो दोनों पार्टनर को पैन का जरूरत था। ठीक है नेक्स्ट फोटो ऑफ द प्रोप्राइटर। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तब उसका पेज में देखिएगा, थर्ड पेज लास्ट पेज में फोटो रहता है, तो प्रोप्राइटर का फोटो मस्ट है। अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसका भी फोटो चाहिए, फोटो मस्ट बी जेपीजी में होना चाहिए, और जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज है 100 KB, उससे कम रहे तो अच्छा है, मैक्सिमम साइज 100 KB। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी अगर ऑथराइज पर्सन आप अपॉइंट करते हैं कि आपके बिहाफ में वो काम करेंगे, तो आप तो बोल दिए कि ये पर्सन है जो मेरा ऑथराइज पर्सन है, मगर उसका कोई प्रूफ तो चाहिए, तो एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको इशू करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी जेपीजी और पीडीएफ किसी में भी कर सकते हैं। साइज इसका 100 KB है। इसका फॉर्मेट क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरा साइट वेबसाइट है सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। देखिए फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, देखिए ये है डिक्लेरेशन ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टू होम इट मे कंसर्न, फिर नेम ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जो मैं अपॉइंट करता हूँ मिस्टर एक्स को, मिसेस एक्स वाई जेड, पार्टनरशिप फार्म हो या फिर आपका प्रोप्राइटरशिप हो या कुछ भी हो। ठीक है फिर उसमें अगर प्रोप्राइटर है तो उनका सिग्नेचर, और पार्टनरशिप फार्म है जितना भी पार्टनर है उनका नाम, उनका सिग्नेचर देना पड़ेगा, और साथ में जो ऑथराइज सिग्नेचर ही है उनका एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। उस लेटर में ही ये फॉर्मेट है, इसमें लिखा जा रहा है कि आई मिस्टर एक्स हैवस अक्रूड माय एक्सेप्टेंस टू एक्ट एज ऑथराइज सिग्नेचर, कि मैं इनका ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर अभी सिग्नेचर होगा वगैरह वगैरह। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा डाउनलोड लिंक। ठीक है तो ये हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि
बैंक का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर का नेम भी दिखना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, कैंसिल चेक भी दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और फास्ट पे जो पासबुक भी दे सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कैंसिल चेक, क्योंकि उसमें ये चारों चीज आपको सही से दिख जाएगा, एकदम सही से सामने दिख जाएगा कि आपका बैंक का नाम क्या है, फिर IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, उसमें साइन करके ऐसे कैंसिल, ऐसे क्रॉस करके कैंसिल लिख देना है, बस हो गया। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंट JPG और PDF कुछ भी हो सकता है और मैक्सिमम साइज 100 KB। एड्रेस प्रूफ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका अलग ही कैटेगराइज है, अलग तरह का। अगर आपका मतलब एड्रेस का मतलब नेचर चेंज हो जाएगा तो एड्रेस प्रूफ भी चेंज हो जाएगा। कैसे नेचर चेंज हो जाएगा, मतलब सोचिए आपका खुद का दुकान तो उसका अलग डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी से रेंट लिया है तो उसका अलग, अगर आपका खुद का है मगर 50% आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो उसका अलग। तो जैसे देखिए नेचर ऑफ पोजीशन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, कंसेंट हो सकता है, लीज्ड हो सकता है, रेंटेड हो सकता है, ओन्ड हो सकता है, शेयर हो सकता है। तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। अगर कंसेंट है तो दो डॉक्यूमेंट चाहिए, दो। फर्स्ट, कंसेंट लेटर फ्रॉम ओनर। कंसेंट है मतलब मेरा नहीं है, सोचिए कि मैं अपने जो आप जो मेरे घर में मैं जहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ वो मेरे पिताजी के नाम से, कि आप जाके बोले पिताजी मुझे बिजनेस करना है, आपका गोडाउन या आपका शॉप या फिर घर में कोई जगह जिसमें कमर्शियल करके मैं उसको बिजनेस करना चाहता हूँ, तब तो पापा क्या बोलेंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो ऐसे तो ठीक है, आपके पापा है, आपको दे सकते हैं, मगर तो GST डिपार्टमेंट तो प्रूफ चाहिए ना, तो इसके लिए आपके पिताजी से कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा। या फिर सोचिए कि ये दुकान है या फिर गोडाउन है वो आपके वाइफ के नाम से है, एक कंसेंट लेटर, अच्छा हाँ मैं इनको ये जगह देने, जगह में बिजनेस करने का परमिशन दे रहा हूँ, इनका बिजनेस है, बिजनेस में मेरा कोई रिलेशन नहीं है, पर इस जगह को मैं दे रहा हूँ। दूसरा चीज, ये तो कंसेंट लेटर मिल गया आपको कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मगर जो आपको कंसेंट लेटर दे रहा है मतलब आपका पापा हो या आपकी वाइफ हो, उनका ओनरशिप है तो उनका ओनरशिप प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, डीड, हाँ मेरे नाम से डॉक्यूमेंट है, मेरे नाम से डीड है, मैं मेरे बेटे को या मेरे भाई को मैं दे रहा हूँ, या मेरे दोस्त जो भी है मैं दे रहा हूँ, मैं कंसर्न कर रहा हूँ कि ये मेरे जगह में आके बिजनेस करे, म्युनिसिपल खाता कॉपी प्रॉपर्टी टैक्स। ये तो हो गया कंसेंट। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्व टेस्ट प्रॉब्लम में जाके, solvetestproblem.in, उसमें जाके आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है लीज्ड, इसमें भी दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो लीज एग्रीमेंट, बट मेरे साथ आपका लीज हुआ है तो लीज एग्रीमेंट होगा ना, मैं लीज लेकर दुकान यूज कर रहा हूँ, लीज एग्रीमेंट तो जरूरी है ना, वो तो चाहिए ना। लीज एग्रीमेंट, आप दुकान में काम कर रहे हैं, दुकान को आप लीज लिए हैं, ये प्रूफ करता है। अब जो आपको लीज दिया है उसका ओनरशिप भी प्रूफ करना है, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप में पिछले यही चीज है, सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी प्रोवाइड, ठीक है। रेंटेड, सेम चीज, रेंट एग्रीमेंट एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप, जिससे आप रेंट लिए है, रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट आप दोनों कोई भी एक ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, सेम चीज, जिससे आप रेंट लिए है उसके नाम से ओनरशिप है, तो शेयर, बहुत बढ़िया, एक दुकान है जो आप और आपके भाई या आप या आपके पिताजी या आप कोई भी दोनों रिश्तेदार है, 50-50 जो भी है, तो आप तो बिजनेस करेंगे पर बाकी जो ओनर है, बाकी 50% का जो ओनर है वो राजी है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, उनसे कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है मैं 50% ओनर हूँ, बाकी जो 50% ओनर है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैं करने के लिए राजी हूँ, प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा।
कि भाई इसमें एक तरह से आप भी एक ओनर है, तो आपको देना पड़ेगा ओनर्स। चौथा है ओन। आप किसी से कुछ डॉक्यूमेंट लेने का, किसी को रिक्वेस्ट करने का, भाई रेंट एग्रीमेंट चाहिए, एक कंसल्टेंट दे दीजिए, साइन कर दीजिए, नहीं जरूरत है, आपका खुद का है, आपका इलेक्ट्रिक बिल है, आपका डीड है, आपका म्यूनिसिपल खाता कॉपी है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, आप आराम से कर दीजिएगा। बस मेरा सजेशन है कि इसमें तो कोई भी दो डॉक्यूमेंट बढ़िया से मतलब रेडी रहेगा, स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है, आपको रेडी करना है, ये हो गया। और आपका खुद का ओनरशिप है तो देखिए, ओनर है, शेयर्ड है, रेंटेड है, लीज्ड है, कंसेंट है, कंसलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले मैं बोल दिया हूँ। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट है, जेपीजी हो या पीडीएफ कुछ भी हो सकता है। लीगल ओनरशिप मतलब डीड के लिए मैक्सिमम साइज 1 MB बढ़िया है, थोड़ा बड़ा होता है। बस ये रेंट और लीज एग्रीमेंट के लिए भी मैक्सिमम साइज 2 MB, बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम 100 KB। बस इतना ही, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ स्टेट में, जैसे कि जगह है प्रोफेशनल पीटैक्स रिसीप्ट, पीटैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे वेस्ट बंगाल में ये जरूरी होता है, मैं वेस्ट बंगाल से जरूरी होता है, तो अगर पीटैक्स काट के, चालान काट के आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपको एक जगह आधार नंबर आपको देना है, ठीक है, आधार नंबर देना है, वहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, इसलिए आधार कार्ड साथ में रखें। आप खुद का घर का खुद का एड्रेस, दुकान का नहीं, खुद का एड्रेस को आप आधार कार्ड के एड्रेस को दे सकते हैं, इसलिए वो पास में रखना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो मैं और उत्सुक रहूँगा कि मैं और कुछ आपसे शेयर कर पाऊँ। अगर कुछ लगता है कि हाँ वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ और चीज़ मुझे डालना है तो प्लीज़ मुझे मुझसे शेयर कीजिए, वो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, पैन ज़रूरत है, फ़ोटो ज़रूरत है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अगर ऑथराइज्ड पार्टी है तो वो तो उसके लिए लेटर जरूरी है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूरी है, मैंडेटरी है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। एड्रेस प्रूफ ये तो डिटेल में बता दिया, क्या कंसेंट होगा, लीज क्या होगा, रेंटेड क्या होगा, ओन क्या होगा, एफसीआर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।